हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर वन डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर वन इकोनॉमिक्स के और उसके आंसर्स भी हम देखने वाले हैं। तो वाई केरला हैज़ लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, केरला का जो मॉर्टेलिटी रेट है बच्चों का वो काफ़ी कम है, क्यों है? मॉर्टेलिटी होता है डेथ रेट, यानी कि जो मृत्यु दर है बच्चों की केरला में वो कम है, ऐसा क्यों है? तो देखो इसका आंसर है, केरला हैज़ लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ गुड प्रोविजन्स। तो केरला में जो प्रोविजन्स है ना वो हेल्थ और एजुकेशन के काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हेल्थ अच्छी होगी, ये लोग पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा होगी और डेथ्स कम होगी। नेक्स्ट है, इज इट जस्ट राइट टू कैलकुलेट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन एवरेज इनकम? क्या एवरेज इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट को काउंट कर लेना सही है? तो एज इनकम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल सिटीजन, सो इट इज़ नॉट राइट टू कैलकुलेट डेवलपमेंट बेस्ड मेयर ऑन एवरेज इनकम, क्योंकि एवरेज इनकम जो है वो हर किसी की इनकम नहीं बताती है ना, हर एक इंसान को वो बराबर पैसे बता देती है कि भाई हर किसी की इतनी इनकम है, बट सबकी इनकम बराबर नहीं होती है। तो इसलिए हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सही ज़्यादा पैरामीटर होते हैं किसी भी देश में बताने के लिए कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं। वट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? तो जन्म दर कि मतलब कोई व्यक्ति अगर पैदा हुआ है तो उसकी उम्र कितनी उम्र तक वो जिएगा, ये होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका क्या मतलब है? तो देखो यही बताया है हमने, इट स्टैंड्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ पर्सन्स लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि भाई ये इंसान कितना जिएगा, ये व्यक्ति कितना जिएगा, यही होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हाउ डू रेशन शॉप्स अंडर PDS हेल्प पीपल? तो PDS के अंदर राशन शॉप कैसे लोगों की मदद कर रही है? तो एक सेकेंड, इसमें हमारा आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर रह गया। क्वेश्चन नंबर फोर है GDP क्या है, व्हाट इज़ GDP? तो GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मेंट फॉर मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक समय में कितना जो है सामान हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है, उनकी कितनी कीमत है, वही देश की GDP होती है। अब ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन अब देखते हैं कि राशन शॉप जो है वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं। तो राशन शॉप हेल्प बाय मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल एंड मेकिंग फूड अवेलेबिलिटी एट लोअर कॉस्ट। तो सस्ते दरों पर जो है PDS शॉप्स पे खाना मिल जाता है, इससे लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है। और देखा, हम कोविड के टाइम में हमने देखा कि PDS शॉप्स से राशन वगैरह मिला तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ लोगों को। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? तो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स ऑफ पीपल सच एज हॉस्पिटल, स्कूल एंड सो ऑन। तो जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सेफ्टी लोगों को, जैसे कि एजुकेशन, फ्री एजुकेशन मिलती है सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल काफ़ी सस्ते दरों पर इलाज कर देते हैं। तो यही होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रैंक्स फर्स्ट इन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो केरला है ना, केरला टॉप द टेबल अमंग द इंडियन स्टेट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं भाई, जो रिन्यू नहीं होते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोल है ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट थोड़े बड़े वाले आंसर्स देखते हैं। Why do different persons have different notions of development? Explain. तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग क्यों होता है? तो देखिए, डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट नोशन फॉर डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। लोगों की ज़िंदगी अलग होती है इसलिए उनके डेवलपमेंट का नोशन अलग होता है। पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम और दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर। तो लोग वो वाली चीज़ें चाहते हैं जो मतलब उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। हो सकता है कि आप एक एक्टर बनना चाहते हो और आपका फ्रेंड एक पायलट बनना चाहता हो या डॉक्टर बनना चाहता हो। तो हर किसी की जो है वो नोशंस अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट के। तो वो कोई चाहता हो वो डेवलपमेंट फील करेगा जब उसको उसके पेरेंट्स उसको बाइक दिला देंगे, कोई चाहता होगा कि भाई फ़ोन दिला दें, है ना। तो सबका डेवलपमेंट का अलग अलग होता है। अमीर बच्चे जो होते हैं जिनके पेरेंट्स अमीर होते हैं उनके फ्यूचर एस्पिरेशंस अलग होते हैं। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन वे नॉट बी फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर दी अदर। तो भाई अगर सपोज करो
कि एक मॉल बन रहा है, वहाँ पे पहले झुग्गी झोपड़ी थी, तो मॉल बन रहा है तो जो वेल ऑफ लोग हैं, जो ठीक ठाक है, उनके लिए तो बढ़िया है कि भाई शहर में मॉल हो जाएगा, मगर वो झुग्गी झोपड़ी जो हटा करके वो मॉल बनेगा, तोड़ करके मॉल बनेगा, तो फिर जो उन झोपड़ियों में रह रहे थे वो लोग कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन हो गया ना. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली वुड बी टू गेट एडमिशन इन अ रेप्यूटेटेड कॉलेज, वेयर एज द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ गर्ल ऑफ अ रिच अर्बन फैमिली वुड बी टू गेट सच फ्रीडम एज हर ब्रदर. तो मतलब लड़कियों को लड़कों के कंपैरिजन में कम फ्रीडम मिलती है, तो भाई एक ही घर में भाई बहन की जो है डेवलपमेंट का मतलब अलग हो सकता है. भाई चाहता होगा, हो सकता है कि भाई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बहन चाहती हो कि भाई इतनी फ्रीडम मिल जाए मेरे को जितनी मेरे भाई को मिलती है. तो डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज बाय वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक किस तरीके से डेवलपमेंट को मेजर करता है, यूएनडीपी कैसे मेजर करता है, ये हमें बताना है. तो यूएनडीपी हैज़ टेकन एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम. एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम जो है बेस है डेवलपमेंट मेजर करने के यूएनडीपी के. ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वर्ल्ड बैंक कैसे नापता है, इट यूजेस पर कैपिटा इनकम एज इट्स बेस फॉर कंपैरिजन. तो वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे नापता है कि भाई कितनी डेवलपमेंट हुई है देश की. और यूएनडीपी एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड, यूएनडीपी में देश रैंक होते हैं और इसमें जो है नैरो कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलपमेंट का है. इट ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. और इसमें क्या है, अंडर दिस कॉन्सेप्ट कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, रिच, मिडिल एंड पुअर. तो वर्ल्ड बैंक में भाई एक रिच है, एक मिडिल वाले में है आते हैं और पुअर में आते हैं. ये जो है ना यूएनडीपी एक अलग ही तरीके से भाई किसकी हेल्थ, देश में लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, इसके बेसिस पे ये मेजर करता है डेवलपमेंट को. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, व्हाई इज लिटरेसी असेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. भाई लिटरेसी होना, पढ़े लिखे होना देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है. तो लिटरेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट या फिर असेंशियल ज़रूरी एलिमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि एजुकेशन गिव्स अस वास्ट नॉलेज, हमें बहुत ज्ञान मिलता है. लिटरेट पर्सन इज एलिजिबल टू गेट सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियाँ मिल जाती हैं, वो अपने बिजनेस ज़्यादा अच्छे से चला पाते हैं. एजुकेशन डेवलप द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो एजुकेटेड होते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. लिटरेट पीपल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिमेनिंग हेल्दी एंड स्टे अवे फ्रॉम डेडली डिजीज़. तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ये भी समझ में ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और बीमारियों से दूर रहने के लिए वो ज़्यादा एक्ट करते हैं. तो पढ़ा लिखा होना तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए. मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, इज इट ट्रू, इलुसिडेट. मतलब आपको बताना है, समझाना है हमें कि आपके मनी मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, बट जिससे आप सारा सामान वामान खरीद लोगे, बट फिर भी बहुत अच्छे से रहने के लिए सब कुछ पाने के लिए आपको पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है. ये बेसिकली मतलब है. तो मनी कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हमें जीने के लिए ज़रूरत होती है. मनी कैन नॉट बाय अस पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, सड़कों पर चलेंगे तो पोल्यूशन तो मिलेगा चाहे कितना पैसा हो. मनी कैन नॉट बाय अ डिजीज फ्री लाइफ एंड माइट नॉट बी एबल टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़. तो भाई अमीर हो गरीब हो, बीमारी तो सबको लगती है, कैंसर सभी को होता है और कोविड भी सभी को हुआ है, चाहे अमीर हुआ है चाहे कोई गरीब हो. बिसाइड्स मनी, पीपल ऑल्सो लाइक टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, फ्रीडम, डिग्निटी एंड ऑनर इन देयर लाइव्स विच मनी कैन नॉट बाय देम. तो भाई लोगों को आज़ादी चाहिए होती है, सोसाइटी में इज्जत चाहिए होती है, सम्मान चाहिए होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि पैसे से आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्स इन इंडिया इन द रूरल सेक्टर्स आर समटाइम्स नॉट एबल टू गेट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, गिव 3 रीज़न. तो लड़कियों को गांव के इलाकों में आगे हायर एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन, 10th 12th की एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है. क्यों? क्योंकि स्कूल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि लड़कियों को कम प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. अगर एक परिवार में गरीब परिवार है, उसमें एक लड़की है और एक लड़का है, और अगर एजुकेशन की बात है कि एक ही को पढ़ाने के पैसे हैं, तो लड़के को ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी माना जाता है लड़के को. पॉवर्टी, गरीबी होती है तो भाई नहीं पढ़ा पाते हैं. डिस्टेंस मतलब अगर स्कूल ज़्यादा दूर है तो लड़की को भेजना सेफ़ नहीं माना जाता है, इसलिए लड़की को नहीं पढ़ाते फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है. देखो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है बच्चों का मृत्यु दर, मतलब एक साल की उम्र पूरा होने से पहले जो है अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी कहते हैं. और इसका रेट कितना है, मतलब कितने बच्चों की मृत्यु होती है 1000 में से पूरे देश में, वही इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है. नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, मतलब कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ये नेट अटेंडेंस रेशियो होता है. लिटरेसी रेट होता है कि भाई 7 साल की उम्र से ऊपर जो इंसान किसी भी एक भाषा में लिख सके, पढ़ सके और उसको समझ सके, वही होता है व्यक्ति लिटरेट. तो देखो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स
अंडर 1 ईयर ऑफ एज अकरिंग अमंग द लाइव बर्थ्स इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर. तो एक साल में मतलब जितनी बर्थ हुई, जितने बच्चे पैदा हुए, उनमें से कितनों की डेथ हो गई है, वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है. तो ये हम लोगों ने देखे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा. ऐसे तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक यू.